हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने कोई भी Xiaomi फोन को जो है किस तरीके से iOS के अंदर जो प्योर iOS के अंदर जो कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो Redmi Note 9 है और इसके अंदर जो मैंने जो है पूरा जो iOS का लुक जो इंस्टॉल किया है, ये कैसे किया, इसके लिए जो क्या क्या आप लोगों को चाहिए होगा, ये सभी जो आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाला हूँ। और फिलहाल जो यार इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ऐप ओपनिंग वगैरह स्पीड जो है प्योर आपको iOS जैसा ही देखने को मिल जाएगा। कोई भी ऐप ओपन करते हो तो उसका एनिमेशन या फिर उसको आउट एनिमेशन किस तरीके से देखने को मिल जाता है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। तो यार ये जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो गाइज, मैंने जो सभी एक ही ऐप से नहीं किया है गाइज, मैंने जो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि ये जो मैंने सबसे पहले जो है थीम जो यहाँ पर एक सेट की है, जो कि मैं आप लोगों को थीम भी बता देता हूँ। यहाँ पर थीम स्टोर के अंदर आप लोगों को सिंपली जाकर जो iOS बॉस यहाँ पर जो देख सकते हैं, आप लोगों को ये जो थीम आप लोगों को डाउनलोड कर लेने iOS बॉस वर्जन 12, तो इसे जो डाउनलोड करने के बाद जो सिंपली अप्लाई कर देना है। अब जो ये अप्लाई होने के बाद सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का लुक वगैरह देखने को मिल जाएगा, इवन कंट्रोल सेंटर वगैरह चेंज हो जाएगा। जैसे कि यार कोई भी नॉर्मल सी थीम जो हम अप्लाई करते हैं तो जैसा लुक होता है उस तरीके का सब कुछ यहाँ पर चेंज हो जाएगा। बट गाइज, इसके अंदर एनिमेशन वगैरह या फिर रिसेंट पैनल में देख सकती है ये जो किस तरीके का प्योर iOS जैसा देखने को मिल रहा है, या फिर कोई भी ऐप ओपन करती है तो उसका जो एकदम स्मूथ एनिमेशन ये जो आप लोगों को चाहिए, तो इसके लिए जो यार आपको अपने फ़ोन का जो रूट करना पड़ेगा। अब जो रूट का नाम सुन के यार भाग मत जाना, यहाँ से वीडियो छोड़ मत देना, क्योंकि यार एक सिंपल सा मेथड होता है जिससे कि आप डायरेक्टली ये सब जो मॉडल वगैरह फ्लैश करके, यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है। और रही बात रूट कैसे करना है Redmi Note 9 को, तो यार Redmi Note 9 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाला है रूट कैसे करना है। अगर आपका कोई अदर डिवाइस होगा तो यार काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप जो YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। अगर Redmi Note 9 की स्पेशली बात करें तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। फिलहाल जो यार आप लोगों को मैं दिखा दूँ तो यार आप लोगों को सिंपली जो एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, मैं जो आपको डायरेक्टली वो फाइल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्मूथ MIUI iOS, यहाँ पर जो कुछ ये फाइल है मॉड्यूल है, तो आपको सिंपली जो इसे डाउनलोड कर लेना है, जो कि 7 MB के आसपास है, 6.76 MB के आसपास, तो इसे जो आप लोगों को सिंपली जो डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारी ये फाइल मिल जाएगी, इसकी लिंक अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद जो आप लोगों को सिंपली जो अपने मैजिस्क मॉडल को, मैजिस्क मैनेजर को ओपन कर लाना है। मैजिस्क मैनेजर को ओपन करने के बाद जो यहाँ पर जो लास्ट में देख सकते हैं, ये जो आप लोगों को इसे जो ओपन कर लेना है, यहाँ से जो आप मॉडल वगैरह फ्लैश कर सकते हैं। तो देख सकते हैं MIUI वाला जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फ्लैश करके रखा है, तो आप जो इसे फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ से आप जो इसे रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव करने के बाद जो एक बार रिस्टार्ट करने का अपना डिवाइस जो बोलेगा, तो आप जो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं, तभी जो ये यहाँ से हट जाएगी, या फिर आप जो इसे रिस्टोर भी कर सकते, फिर से वापस ला सकते। तो अगर आपको जो फर्स्ट टाइम आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो सिंपली जो यहां पर आ जाना है, यहां जाने के बाद इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज के ऊपर जाकर आप लोगों को सिंपली जो उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करोगे यहां पर देख सकते कुछ इस तरीके की इंस्टॉलेशन फ्लैशिंग हो जाएगी, और यार कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो ये फ्लैशिंग हो जाएगा यहां पर, क्योंकि यार थोड़ी सी ही फाइल की साइज है, और फिर जो आपने डिवाइस को रिबूट कर दीजिएगा। ये गाइस सभी डिवाइसेस के अंदर काम करेगा, जिसमें जो ये नीचे जो नैव बार देखने को मिल जाता है उन सभी डिवाइस के अंदर जो ये परफेक्टली वर्क करता है। अगर बाय चांस आपके डिवाइस में वर्क ना करे तो यार आप लोगों जो रिबूट करने के बाद यहाँ पर जो क्रैशिंग वगैरह प्रॉब्लम आ सकता है, एरर आ सकता है, तो सिंपली जो यार आप जो है यहाँ पर जो मैजिस्क मॉडल तो आपका बैकग्राउंड में रन होता ही रहता है, तो आप जो सिंपली उस पर जाकर जो यहाँ पर जाकर आप अपने मॉडल को यहाँ से जो है रिमूव कर दीजिएगा और डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कर दीजिएगा, जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और जो भी आपको प्रीवियस लॉन्चर था MIUI का उसमें आप जो बूट हो जाएगी। तो यार इस तरीके से आप जो अपने फ़ोन में ये कर सकते। और रही बात डायरेक्टली आप जो इसे इंस्टॉल करोगे, मतलब इसको सेट करोगे, फ्लैश करोगे, तो ये जो लुक नहीं आएगा, तो इसके लिए जो गाइस आप लोगों को जो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस रख के मतलब करना पड़ेगा। देन सेटिंग के अंदर जाकर, मोर के अंदर जाकर, यहाँ पर जो आप लोगों को न्यू अरेंज आइटम का आइकॉन, आपको जो है आइटम इन रिसेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ जाकर आपको हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका वर्टिकली होगा तो वर्टिकली में कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, देख सकते। तो ये जो यार इसके अंदर जो अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए जो मैं तो यहाँ पर प्रेफर करूँगा प्योर iOS जैसा आपको चाहिए, तो अरेंज आइटम में जाकर आपको हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट कर लेना है। दैट्स इट गाइस, देख सकते हैं बूम, यहाँ पर जो पूरा iOS जैसा लुक देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है गाइस देखने वाइज, तो आप जो जरूर से इसे भी चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो आप जो इसे जरूर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाता है। ये मैंने अपने Redmi Note 9 के ऊपर करके दिखाया है आफ्टर अपडेट, जो कि MIUI 12.5.1.0 विद एंड्रॉयड 11 आया था, उसके बाद से दिखाया है। और पूरा जो यार इसके अंदर जो सब कुछ जो आपको iOS का लुक देखने को मिल जाएगा, इवन डायलर पैड वगैरह, तो आप जो इसे चेकआउट कर सकते हैं।
सो यार आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर टिल देन एंड बाय बाय।